and subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. In figure E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD, ये पूरे ट्रायंगल में आधा एरिया ABD is similar to ECF. तो हम लोग ने क्या किया, एक सेट स्क्वायर में ये ट्रायंगल ले लिया ECF है, देखिए ECF, और इसे रोटेट कर लिया तो ये आ गया ECF. तो इसको यहां पे बना दिया है. अब आप देख सकते हैं कि ABD और ECF तीनों ही दोनों ही अच्छे से बने हुए हैं. अब हमें गिवन क्या है, गिवन है आपको ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एबी इज इक्वल टू एसी, एक ये बात गिवन है. दूसरी बात क्या गिवन है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. फिर क्या गिवन है, सीबी प्रोड्यूस्ड टू ई, है ना. फिर क्या गिवन है, ईएफ परपेंडिकुलर टू एसी. चार बातें आपको गिवन है. अब हमें क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ. तो प्रूफ यहीं से शुरू कर दें, ज्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ी तो. और उसके बाद हम लोग को सीधे ट्राइंगल एबीडी और ईसीएफ कंसिडर कर लेना. इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ईसीएफ, ठीक है भाई. एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल EFC is equal to 90 degree. ये कहां से आ रहा है, गिवन से आ रहा है, राइट. फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. क्या हमें गिवन है, गिवन AB इज इक्वल टू AC, ठीक है. तो यहां पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं, एंगल्स या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना. ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, हम लोग लिख देंगे देयरफोर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. अब आप देख सकते हैं कि जो ये एंगल B है वो ही एंगल ये C वाला हो जा रहा है, यानी कि ABD में ECF में एंगल B और C सेम है. ये सी उतर कर यहां आ गया है, ठीक है. बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF. देखिए कितना मेहनत वाला काम है, ABD ECF यहां लिखा, ABD ECF यहां लिखा, ABD ECF यहां लिखा, ABD ECF यहां लिखा, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स हम लोग ने ABD ECF लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ इज टफ.
हेंस प्रूव्ड। अब इसे हम लोग रेड बक्सा पहना देते हैं। दिस इज डन नाउ।